अरे मोनू, तुम ये धूप में क्या सोच रहे हो? स्वाति, मैं यह सोच रहा हूँ कि हर वस्तु को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है और पौधे अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा सूरज से लेते हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। अरे सही कहा तुमने, लेकिन इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। चलो गुरुशाला पर जाके इसके बारे में वीडियो देखते हैं। स्वाति, सूरज ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है यह जानने के लिए मैं गुरुशाला वेबसाइट पर क्या लिखूं? मोनू लिखो, वेयर डज सन गेट एनर्जी। हमारा सूरज करोड़ों अरबों सालों से चमक रहा है। यह एक तारा है और इसका निर्माण गैस के बादलों के रूप में 4.6 अरब साल पहले हुआ था। सूरज एक परमाणु रिएक्टर है जिसके कारण सूरज पर तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बन जाते हैं, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है जिससे हीट और लाइट सूरज को मिलती है, और यह रिएक्शन इतना बड़ा होता है कि सूरज के कोर में 620 मैट्रिक टन मिलियन हाइड्रोजन 606 मैट्रिक टन मिलियन हीलियम में बदल जाती है, जिसके कारण हमें सूरज से बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। सूरज के कोर का तापमान 1.5 डिग्री करोड़ सेल्सियस होता है। हाँ तो कैसा लगा तुमको ये वीडियो? अब तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। हाँ, थैंक यू स्वाति, मुझे गुरुशाला के बारे में बताने के लिए।